स्वागत है आपका, आपके साथ में हूं शिल्पा रावत। शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ इस वक्त कर रहे हैं। नगर निकाय चुनाव से पहले बीएसपी ने शुरू कर दी है तैयारी। बीएसपी प्रदेश स्तरीय अधिकारियों का आज एक दिवसीय सम्मेलन होने जा रहा है। सम्मेलन को संबोधित करेंगी बीएसपी सुप्रीम उमावती। सुबह 11 बजे से शुरू होगा एक दिवसीय सम्मेलन। नगर निकाय चुनाव में मजबूती के साथ मैदान में उतरने की तैयारी बीएसपी की तरफ से कर दी गई है। निकाय चुनाव को लेकर आपको बता दें, हर एक पार्टी अपनी अपनी तैयारी में जुट चुकी है और सेमीफाइनल एक तरीके से 2024 से पहले से मानकर चला जा रहा है। हालांकि ये बता दें आपको, हर एक पार्टी जो है वो अपनी तरीके से कवायद कर रही है वोटों को बटोरने की, समेटने की, और इसीलिए अब बीएसपी भी कमर कस चुकी है। बीएसपी की भी तमाम तैयारियां जो है वो अब मैदान में नजर आने लगी है। सुबह 11 बजे एक दिवसीय सम्मेलन जो है वो बीएसपी का होने जा रहा है। नगर निकाय चुनाव में मजबूती से मैदान में उतरने की तैयारी फिलहाल बीएसपी की तरफ से कर ली गई है। उत्तर प्रदेश में होने वाले नगर निकाय चुनाव को लेकर बसपा लगातार अब एक्शन मोड में दिखाई पड़ रही है और यही वजह है कि आज बसपा सुप्रीमो मायावती खुद बैठक करके इस पूरे चुनाव को लेकर समीक्षा कर रही हैं। तमाम पदाधिकारियों को इस बैठक के लिए बुलाया गया है और नगर निकाय चुनाव में पहली बार बसपा जो है शिरकत करने जा रही है। ऐसे में पूरी तैयारी के साथ बसपा इन चुनाव को लड़ेगी। इसको लेकर आज बसपा सुप्रीमो मायावती बैठक के दौरान निर्देश जारी करेंगी। इसके साथ साथ बसपा सुप्रीमो मायावती तमाम जो सस्ता अभियान चलाए जा रहे थे उनको लेकर भी समीक्षा करेंगी। फिलहाल कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में बसपा में एक बड़े बदलाव के संकेत हैं। ऐसे में इस बैठक के बाद कुछ बड़े बदलाव भी किए जा सकते हैं। कैमरामैन रामबालक के साथ विशाल लघुवंशी, जी मीडिया, लखनऊ। तो फिलहाल एक दिवसीय सम्मेलन 11 बजे शुरू होने जा रहा है बसपा का। निकाय चुनाव से पहले बीएसपी की तैयारियां अब जमीनी स्तर पर दिखने लगी हैं। अधिकारियों का आज एक दिवसीय सम्मेलन ये होगा और बदलाव भी किया जा सकता है, ऐसे संकेत भी हैं। सम्मेलन को बीएसपी सुप्रीम उमावती संबोधित करने वाली है। तो निकाय चुनाव से पहले ये तैयारी जो है वो बीएसपी की तरफ से की जा रही है। अक्सर चुनाव में हाल फिलहाल बीएसपी की तरफ से वो तैयारियां अब नजर नहीं आती है, लेकिन निकाय चुनाव को लेकर ऐसा नजर आ रहा है कि बीएसपी भी पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरने जा रही है और इसीलिए सुबह 11 बजे एक दिवसीय सम्मेलन जो है वो यहां पर अधिकारियों का आज होगा और उसको संबोधित करेंगी बीएसपी सुप्रीमो मायावती। विशाल इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। विशाल, हाल फिलहाल अगर बीएसपी की बात की जाए तो स्थिति क्या है उत्तर प्रदेश में नजर आती है, और इसके साथ ही बीएसपी का रवैया जो है बहुत ढीला चुनाव को लेकर अक्सर नजर आता है, लेकिन निकाय चुनाव को लेकर नजर आ रहा है कि मैदान में उतरने की तैयारी बीएसपी भी पूरी तरीके से कर रही है। देखिए, ये पहली बार ऐसा है कि बसपा जो है वो नगर निकाय चुनाव में सीधे तौर पर चुनाव लड़ने जा रही है और यही वजह है निकाय चुनाव को लेकर बसपा जो है पूरी तरह से अपनी तैयारियां जो है वो करना शुरू कर चुकी है और आज इसी कड़ी में मायावती जो है वो समीक्षा बैठक करेंगे। इसके साथ साथ तमाम जो पार्टी के पदाधिकारी पहुँच रहे हैं राष्ट्रीय और प्रदेश के, उन सभी को संबोधित करेंगी। ऐसे में ये कहना बिल्कुल गलत नहीं हुआ कि बसपा सुप्रीमो मायावती लगातार नगर निकाय चुनाव को लेकर अब थोड़ा सा गंभीर है। ये भी तय हो गया है कि इस नगर निकाय चुनाव में जो पूर्व जो सांसद रहे हैं या पूर्व विधायक रहे हैं उनको जो है मेयर का टिकट दिया जाएगा बसपा की तरफ से। इसके साथ साथ बसपा ने कुछ बदलाव करने की भी जो है योजना बनाई है। मुख्य जोन इंचार्ज जो है वो बड़े रूप से जो है बदले जाएंगे पूरे उत्तर प्रदेश में। अलग अलग जगहों पर दलित और मुस्लिम गठजोड़ जो है वो देखने को मिलेगा संगठन में। इसके साथ ही साथ पार्टी में जो सदस्यता अभियान चल रहा था उसकी समीक्षा बैठक जो है वो भी मायावती करेंगी। तो आज ये कह सकते हैं कि बसपा में आज पूरा दिन जो है मंथन का दौर चलेगा और करीब 11 बजे के आसपास बसपा सुप्रीमो मायावती तमाम जो पार्टी के पदाधिकारी हैं उनको संबोधित भी करेंगी। जी बिल्कुल विशाल, ये कहा जाए कुछ बदलाव भी हो सकते हैं, विशाल का हम रुक करेंगे, लेकिन ये फिलहाल बता दें हम जिस तरीके से बीएसपी जो है जमीनी स्तर पर काम कर रही है उससे नजर आ रहा है कि बीएसपी भी टक्कर देने के मूड में। हालांकि तमाम और पार्टियों की भी बात की जाए तो तमाम और पार्टियां भी तैयारी कर रही हैं। ये विशाल कह सकते हैं अभी एक तरफ बीजेपी को हम देख रहे हैं पसमांदा सम्मेलन भी कर रही है, बीजेपी मुस्लिम वोट जुटाने की कोशिश कर रही है, खास तबके को खुश करने की कोशिश। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं मायावती जो है वो भी अपनी तमाम तैयारियां कर रही है, यानी कि हर एक पार्टी जो है वो 2024 से पहले ये सेमीफाइनल शायद जीत लेना चाहती है। हालांकि कुछ पार्टियां ये भी कह रही है कि सेमीफाइनल नहीं है लेकिन एक परीक्षा तो है ये हर पार्टी के लिए।
देखिए बसपा के लिए वाकई में परीक्षा है और यही वजह है कि निकाय चुनाव को लेकर बसपा अपनी जो नई रणनीति है उसको परखने की कोशिश करे, क्योंकि बसपा अब पूरी तरह से ब्राह्मण मोह भंग हो चुका है और यही वजह है कि एक नए एजेंडे जो उनका पुराना एजेंडा कभी रहा है दलित और मुस्लिम उसके गठजोड़ पर काम करना शुरू कर दिया, और यही वजह है कि इमरान मसूद को पश्चिम से जो है उनको लाया गया है। इसके साथ साथ गुड्डू जमाली की बात करें तो गुड्डू जमाली की जमकर तारीफ मायावती ने लोकसभा के उपचुनाव में की थी जब आजमगढ़ से चुनाव उन्होंने लड़ा था और दूसरे नंबर पर आए। तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो साफ कर रही हैं कि बसपा अपने पुराने पैटर्न पर लौट रही है और मुस्लिम और दलित गठजोड़ का ये सबसे अच्छा परखने का जो टेस्ट है वो निकाय चुनाव है, और यही वजह है कि बसपा सुप्रीमो इसको लेकर आज जो है संबोधित करेंगे। इसके साथ साथ बसपा सुप्रीमो आज संस्था अभियान को लेकर भी जो रिपोर्ट आई थी उनको लेकर काफी नाराज भी रही है, आज उसको लेकर भी आज बसपा सुप्रीमो जो है संस्था अभियान की समीक्षा करेंगे।